श्री शिवाय नमस्तुभयम्। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का, आप सभी लोगों को गुरुजी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में बताने के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि वह हमला हुआ कैसे, गुरुजी को चोट आखिर में लगी कहाँ पर है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि भैया सर में तो चोट लगी है, ये तो हमें पता चल गई, लेकिन सर में चोट लगी कहाँ पर है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको फोटो में यहाँ पर दिखाऊंगा अभी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सभी चीजें गुरुजी के बारे में आपको पता चल जाए। तो अब फोटो के माध्यम से आपको समझा दूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी को चोट लगी कैसे। देखो, जब हम लोगों को सर में चोट लगती है ना, तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारे सर में घुमा निकल आता है। ये घुमा क्या होता है, आप इसको गोमा बोल सकते हो, सूजन बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। हल्की सी स्वेलिंग आती है जहां पर सर में चोट लगती है ना, तो वहां पर हल्का सा सूजन आ जाता है, फूल जाता है। लेकिन गुरुजी के केस में इसका उल्टा हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई। उल्टा क्या हुआ कि जब उनको चोट लगी तो जब ऐसे घुमा निकलता है, मतलब स्किन के बाहर तो खून जमता नहीं है, लेकिन जब यही घुमा अगर जो सर के अंदर बन जाएगा तो खून का थक्का जमने की जो चांस होते हैं वह बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर गुरुजी को दिक्कत हुई और जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सलाह दी है उनको कि आपको अब कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये जो गोमा निकलना था बाहर, ये गुरुजी के सर के अंदर निकल गया है और इससे खून का थक्का जम गया। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसी खबर है कि ऑपरेशन वगैरह की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। हॉस्पिटल में, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और इस टाइम पर वह अपने घर पर पहुंच चुके हैं, जिससे यह चीज पता चलती है कि उनको कोई भी ऑपरेशन की जरूरत अभी तक तो नहीं है। आगे की क्या बातें हैं, कैसे क्या चीजें होंगी, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इंसान ने, उस जिस इंसान ने जब गुरुजी होली खेल रहे थे उस टाइम पर नारियल फेंक के मारा, लेकिन गुरुजी इस चीज को मारना नहीं बोल रहे हैं, ना ही आशीष भैया बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं कहूंगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि जानबूझकर के गुरुजी के ऊपर नारियल को फेंका गया। आखिर बताओ, हम लोग गुलाल से होली खेल रहे हैं, आप गुलाल फेंक दो, आप फूल फेंक दो, आप रंग फेंक सकते हो, बट अगर उनको नारियल के थ्रू चोट लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जानबूझकर के तय की गई साजिश है। वह इंसान कौन है, कौन नहीं है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है पुलिस के द्वारा, सीहोर पुलिस के द्वारा, जिससे यह पता चला जाएगा। जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगेगा, क्योंकि भीड़ कितनी भी हो, कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे, तो वह इंसान बिल्कुल भी बच नहीं सकता जिसने भी इस तरीके की बहुत ही गंदी सी भौतिक घिनौनी हरकत की है, जिससे गुरुजी ने हम लोगों को कथा सुनाना छोड़ दिया। अब उस इंसान को आखिर क्या मिला उसको ऐसा करने से, तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस हालत में गुरुजी की आगामी कथा कब होगी या कथा नहीं होगी। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि स्वयं गुरुजी ने कल सबके सामने आकर बताया कि आगामी कथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण कैंसिल कर दी जाएगी, और उनके कार्यकर्ताओं ने भी साफ साफ लिख दिया है कि आगामी सूचना तक आगे की सभी कथा स्थगित कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। और आपको बता दें कि पहले से ही सीहोर के कथा कार्यकर्ताओं ने बताया था कि 2028 तक गुरुजी फ्री ही नहीं है, यानी कि 2028 तक पूरी तरह से उनकी आगामी कथा शेड्यूल है, लेकिन अभी पता नहीं है कि गुरुजी 10 दिन में ठीक हो जाएंगे कि 15 दिन लगेंगे या एक महीने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने लिखा है आगामी सूचनाओं तक आगे की सभी कथा स्थगित है। और आशीष भैया ने, जो कि गुरुजी के ही साथ रहते, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा था कि कल सुबह सब लोग मिल करके एक लोटा जल अर्पित करेंगे जिससे गुरुजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बाबा महाकाल जल्दी उनको ठीक कर दे। और एक बात आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी खबर है कि गुरुजी के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार देखने को मिला है। डॉक्टर का कहना है कि यहां पर ओन ऑपरेशन वगैरह की नीड अभी नहीं है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जब ओन ऑपरेशन वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी गुरुजी का स्वास्थ्य सब कुछ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, महादेव सब ठीक करेंगे, पर हम लोगों को पूरा भरोसा है।
हम लोग कोशिश करेंगे कि गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए। तो एक बार फिर से आप सभी को छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुबह जल चढ़ाओ अपने लिए। तो जो मांगना है महादेव से मांगो, बट एक बार प्लीज सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है। गुरुजी के लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहे कि वह जल्दी से स्वस्थ हो और हम लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी कथाएं उनके मुख से सुनने को मिले, चाहे हम लोग टीवी के माध्यम से सुनते हो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या फिर लाइव बैठकर सुन रहे हो। हम लोगों को कथा के सार से ही रस चाहिए। अब सुनना हमें कहीं से भी है, बस जल्दी से गुरुजी ठीक हो जाए। आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि गुरुजी कब कथा कहेंगे, कहां पर होगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।